गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास सेकेंड। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 14। आज हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द और अशुद्ध शोधन, ठीक है। यानी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसको एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं उसी को आज पढ़ना है, ठीक है। देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश इधर दिया है और एक शब्द इधर दिए गए हैं, ठीक है। जो सबको प्रिय हो, ठीक है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, सर्वप्रिय। पढ़ने वाला, पढ़ने वाला कौन होता है, पाठक, ठीक है। सुनने वाले को क्या कहते हैं, श्रोता। देखने वाला, देखने वाले को क्या कहते हैं, दर्शक। जिसके माता पिता न हो उसको क्या कहते हैं, अनाथ, ठीक। जो कभी न मरे, अमर। जो सप्ताह में होता हो, साप्ताहिक। जो प्रतिदिन हो, दैनिक। जो वर्ष में एक बार हो, वार्षिक। जो पूजा करने योग्य हो, उसे पूजनीय, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी इधर एक वाक्य दिए गए, इधर एक शब्द, इसको क्या कहते हैं। आगे फिर देखिए, बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। साग सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। मांस खाने वाला, मांसाहारी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद देखिए 18 नंबर, जो बीत चुका हो, अतीत। काम से जी चुराने वाला, काम चोर। जिसमें दया न हो, दयालु। जिसमें दया हो, दयालु, ठीक है। इसके बाद देखिए, शब्दों के शुद्ध रूप। ये अशुद्ध अशुद्ध दिए गए हैं, इसको देखिए किस तरफ से मात्रा लगेगा, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सूर्य, ये छोटा सु लिखा है, ये गलत है। सही इसमें क्या है, बड़ा सु, सूर्य। पति दिया है, ठीक है, पति होता है, ठीक है, शुद्ध ये है। हंसना, हंसना में चंद्र बिंदु होता है, ये गलत है, इसमें हंसाकार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हंसना चंद्र बिंदु होगा। तिथि, तिथि दिया है, ठीक है, शुद्ध क्या है, तिथि। फिर ज्ञानी, ठीक है, ज्ञानी में ग नहीं होता, ये ज्ञ ज्ञानी, ठीक। आशीर्वाद देखिए, आशीर्वाद, यहाँ पे र श पे चढ़ा दिया है, ये गलत है, सही क्या है, आशीर्वाद, ठीक। अग्नि, अग्नि नहीं होता, शुद्ध क्या होता है, अग्नि। शून्य, शून्य देखिए गलत दिया है, इसमें सही क्या होगा, शून्य, ठीक है। दांत, दांत होता है, ठीक है, तो ये इसमें भी चंद्रबिंदु होता है। श्रीमती, ये श्रीमती लिखा है, ये श्रीमती, शुद्ध क्या है, ये है। दूध लिखा है, ये दूध। पूज्य, छोटा पू नहीं होगा, इसमें बड़ा पू की मात्रा होगी, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा। फिर इसके बाद विद्यालय, ठीक है, ये गलत लिखा है, विद्यालय, आधा द और आधा ध, ठीक है। आकाश, ये आकाश लिखा है, ठीक है, शुद्ध क्या है, आकाश। श्रोता, ये गलत होता है, इसको क्या करें, श्रोता, ठीक है। अब इस साइड देखिए, सेकंड साइड में ऋतु, ये ऋतु लिखा है, इसमें ये र नहीं होगा, इसमें ऋषि मुनि वाला र होगा, ठीक है, तो ऋतु हो गया। परमात्मा लिखा है, परमात्मा, शुद्ध क्या होता है, परमात्मा। पत्नी लिखा है, पत्नी होता है, ठीक है, तो बड़ी नहीं होगी। कवि लिखा है, कवि होता है, ठीक है। कुआं, कुआं देखिए, कुआं अ में चंद्रबिंदु होगा, ठीक है, ऐसे लक्ष्मण दिया है, तो सही इसमें क्या होगा, लक्ष्मण। फिर पृथक, पृथक नहीं होता, शुद्ध क्या होता है, पृथक। नादान, ये गलत है, नादान होता है, ठीक है। पुरुष दिया है, ठीक है, इसमें ख स षटकोण की मात्रा होगी, पुरुष हो जाएगा। बीमारी में बड़ी भी होती है, ठीक है, तो ये बड़ी भी। सामग्री लिखा है, ठीक है, सामग्री होता है, शुद्ध क्या है, सामग्री। क्षमा, क्षमा में छ छत्री वाला होगा, ठीक है। विद्यार्थी, इसमें विद्यार्थी लिखा है, विद्यार्थी ये है। कर्म, कर्म गलत होता है, ये शुद्ध क्या है, कर्म।
मिठाई, मिठाई में ये मात्रा नहीं होती, मिठाई में बड़ी ई की मात्रा होती है। चलिए अभ्यास कार्य को करते हैं। क नंबर, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। भाई, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। शून्य, शून्य में बड़ा सु होगा। ज्ञानी, ये आपको इधर पढ़ा दिया गया है, फिर भी देख लीजिए, ठीक है। दांत, लक्ष्मण, नादान। धर्म, कुआं, तिथि, ठीक है। ये देखिए, इसको भी देखिए, ये फिलअप कर दिया गया है, ठीक है। आपको कॉपी पे राइट करना है और लर्न भी करना है, ठीक है। और ये आओ दोहराएं, इसको दिए गए अनुच्छेद में उचित स्थानों पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके पुनः लिखिए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।